टू ज्ञान यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है। चलिए आरंभ करते हैं। इस वीडियो में दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ आपको डिजिटल सेवा में या CSC आपको कौन कौन से इंश्योरेंस प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाती है और उसका क्या क्या कमीशन है। तो आप डिजिटल सेवा लॉगिन करके आप देख सकते हैं, इंश्योरेंस की टैब पे आप जब भी जाओगे तो वहां पे इंश्योरेंस के बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, कैटल एंड लाइफ स्टॉक, फार्मर पैकेज पॉलिसी, फायर पॉलिसीज, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारी इंश्योरेंस होती हैं। जैसे इसमें रिन्यूअल की ऑप्शन आती है दोस्तों, आप जो है डिफरेंट कंट्री का प्रीमियम रिन्यूअल कर सकते हैं, LIC का कर सकते हैं, बजाज एलाइंस या दूसरी भी कंपनियां हैं, उसके लिए आपको लाइफ इंश्योरेंस पे आके सिंपली LIC है तो LIC लाइफ इंश्योरेंस पे यहाँ पे पॉलिसी नंबर और मोबाइल नंबर डाल के आप जो है बिल पैच कर सकते हैं। उसके बाद ये हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट हैं जिनके भी आप रिन्यूअल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं क्या क्या कमीशन है, कितना कमीशन आपको इसमें मिलता है एक इंश्योरेंस करने पे, चाहे वो रिन्यूअल ऑफ पेमेंट हो या आपको नया इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचना हो। अगर मैं रिन्यूअल प्रीमियम पेमेंट की बात करूं दोस्तों, तो बहुत सारी कंपनियों का यहाँ पे एक समान जो कमीशन है वो है 28 रुपीज। तो मैं कुछ कंपनियों के नाम ले देता हूँ जिनका जो कमीशन है वो 28 रुपीज है अगर आप रिन्यूअल प्रीमियम पेमेंट करते हैं। तो इसमें अविवा, बजाज, DHFL, एक्साइड, फ्यूचर जनरली लाइफ इंश्योरेंस, HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस, इनका जो है आपको 28 रुपए कमीशन है BLD का। उसके बाद ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस है, उसका आपको 32 रुपीज कमीशन है। उसके बाद बात करें दोस्तों इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस की, तो अगर ईयरली मोड पे करते हो आप तो वही 28 रुपीज कमीशन है आपका। अगर हाफ ईयरली है तो 14.4 और क्वार्टरली है तो 7.2 और मंथली मोड में है तो 2.4। यानी किसी का जो प्रीमियम पेमेंट है मंथली वाइज जाता है तो उसका जो आपको कमीशन मिलेगा वो 2.4 रुपीज मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों LIC की। LIC के यहाँ पे दो प्रोडक्ट है, LIC और LIC माइक्रो। LIC का आपको मिलेगा 4.8 और LIC माइक्रो का मिलेगा आपको 1.2। उसके बाद मैक्स लाइफ का करेंगे तो वही 28 है, SBI, सहारा, श्रीराम और टाटा IA का करेंगे तो वो 28 रुपीज कमीशन है अगर आप रिन्यूअल प्रीमियम पेमेंट करते हैं। इसमें कम आपको सिर्फ LIC और इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस का है, जो सबसे ज्यादा हमारे देश में चलती है LIC, उसका कमीशन आपको सबसे कम मिल रहा है यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों ये तो थी रिन्यूअल प्रीमियम पेमेंट्स की बात। अब बात कर लेते हैं अगर आप जो है कोई और पॉलिसी बेचते हैं, जैसे आप जो है पॉलिसी बेच रहे हैं टू व्हीलर की कंप्रेसिव, या आप जो है हेल्थ इंश्योरेंस बेच रहे हैं, फायर इंश्योरेंस बेच रहे हैं, या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बेच रहे हैं, फार्मर पैकेज, हॉस्पिटल कैश या ट्रैवल इंश्योरेंस, तो उसमें आपको कितना कितना कमीशन मिलता है। तो दोस्तों पहले तो हम बात कर लेते हैं पर्सनल एक्सीडेंट कवर, फार्मर पैकेज, हॉस्पिटल कैश और ट्रैवल इंश्योरेंस की। तो इसमें आपको जो है फिक्स्ड कमीशन मिलेगा 16.50%, यानी जितना भी आपका प्रीमियम बनता है वो आपको 16.50% पे मिलेगा, यानी 16.50% का कमीशन आपको इसमें मिलेगा। अगर आप इसमें फायर इंश्योरेंस को भी ऐड कर लें या मरीना कार्गो को भी आप इसमें ऐड कर लें तो उनका भी सेम कमीशन है 16.50%। उसके बाद बात आती है दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस की, तो हेल्थ इंश्योरेंस का कमीशन फिक्स करा है आपके लिए 15%। अगर मैं बात करूं दोस्तों आप मोटर थर्ड पार्टी की, तो सभी व्हीकल पे आपको 2.50% कमीशन मिलता है, जो अभी तक का कमीशन चार्ट के अकॉर्डिंग है CSC और जो भी रैप इंश्योरेंस आप करते हो उसमें 2.50% कमीशन मिलता है आपको मोटर थर्ड पार्टी ऑल व्हीकल्स का। उसके बाद बात करें दोस्तों मोटर कॉम्प्रिहेंसिव की, तो उसमें अलग अलग कैटेगरी है। अगर आपका व्हीकल की एज, जिस व्हीकल का आप इंश्योरेंस कर रहे हैं उसकी एज अगर 0 से 3 साल के बीच में है, यानी 3 साल से तक के व्हीकल की आप जो है अगर टू व्हीलर के अलावा है तो आपको 15% मिलेगा आपका OD पे, और अगर टू व्हीलर है तो आपको 17.5% मिलेगा OD पे। और उसके बाद अगर आपका व्हीकल 3 साल से ऊपर है या 4 साल से ऊपर है, चौथे साल में स्टार्ट हो गया है, अगर वो टू व्हीलर नहीं है तो आपको 15% OD पे मिलेगा और 2.5% जो थर्ड पार्टी का प्रीमियम पे मिलेगा वो मिलेगा आपको। और अगर आपका टू व्हीलर है तो 17.5% OD पे मिलेगा और 2.5 जो है आपको थर्ड पार्टी प्रीमियम पे मिलेगा।
दोस्तों यहाँ पे ओटी का मतलब है ऑन डाउन ऑन डैमेज प्रीमियम, यानी जब भी आप फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस करते हैं किसी भी व्हीकल की, तो उसमें ओडी और थर्ड पार्टी के प्रीमियम कटते हैं ऑन डैमेज और थर्ड पार्टी के, जो आपको पता ही है कि किसी तीसरी व्हीकल के गाड़ी का अगर नुकसान होता है या कोई ह्यूमन लॉस होता है तो उस केस में। तो दोस्तों इस तरह का है कमीशन चार्ट जो CSC प्रोवाइड करवाती है अपनी इंश्योरेंस सर्विसेज के साथ आप लोगों के लिए। अगर इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल बजाना ना भूलें, ताकि आप पाएं हमारे वीडियो सबसे पहले। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।